जी ये मैंने बनाया नूडल्स, ये मैंने अपने लिए बनाया, मैं थोड़ा वाटरी पसंद करती हूँ। अच्छा ये रानिया के हैं और ये है शनायरा के, इसके अंदर मैंने पानी नहीं ज्यादा डाला, उसको ऐसे ही बना के दिए। यम्मी बने, यम्मी है, सारे खाने ओके। और ये जो है ना ये चिड़ियों के लिए, मतलब बर्ड्स के लिए जो है ना, ये हाउस हमने लिए हुए थे इनको। क्या हुआ आपको? टिक्का बन गया। टिक्का बन गया। हमारे लॉन में जितने भी पौधे लगे हुए हैं ना, तो हम सारे पौधे यहीं से लेके गए। आइटम्स हैं परिंदों के लिए, यहाँ से हमने लिए ये चीज़ ली है, और ये दो छोटे घोंसले लिए हैं, दो बड़े घोंसले लिए हैं। ये तो आज मैं बना रही हूँ चिकन दो प्याज़ा। ये तो ये हमारा चिकन दो प्याज़ा जो है ना वो तैयार हो गया, और ये है इमली की चटनी, और ये है जी लहसुन का अचार, और वो है नींबू का अचार। जी ये मैंने बनाया नूडल्स, ये मैंने अपने लिए बनाया, मैं थोड़ा वाटरी पसंद करती हूँ। अच्छा ये रानिया के हैं और ये है शनायरा के, इसके अंदर मैंने पानी नहीं ज्यादा डाला, उसको ऐसे ही बना के दिया। यम्मी बने, यम्मी है, सारे खाने ओके। दोनों खा ले, चलो ठीक है। रानिया तो भी, अच्छा रानिया तो भी पढ़ी है, कर साहब से सुपारा, तो आमना लगी हुई है आज अपने रूटीन में, क्योंकि आपको पता है ईद आ रही है, ईद से पहले आपको पता है कि सफाई जो है ना वो सारे घर की जरूरी होती है, एक दफ़ा सारे घर की अच्छे तरीके से सफाई हो जाए, तो बस आमना जो है ना वो लगी हुई है अपने काम में। तो ये गर्मी तो आजकल तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है, और ये कूलर जो है ना, ये मैंने अभी इसमें सारा उसने साफ किया, मैंने उसको निकाला, इसमें पानी शानी भरा है, और ये कूलर इतनी ठंडी हवा देता है कि मतलब कि अगर आप एसी अगर आपका नहीं ना काम कर रहा, तो फिर आप ये मतलब के चला सकते हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके ऊपर उन्होंने ये स्पेस दी हुई इन बॉटल्स को, आप जो है ना उसमें फ्रीजर में रख दें, ठंडी हो जाएंगी, तो फिर आप इसमें रख के इसको जो है ना वो चला लें, जब इसमें बर्फ डल जाएगी तो फिर जो है ना ये बहुत अच्छा जो है ना वो कूलिंग करता है, बहुत ज़बरदस्त है। बाकी ये इधर तो सारा आमना ने साफ, अब तो होम टूर तो मैंने आपको नहीं करवाया, इधर भी जाना आमना ने सारी सफाई कर दी है, सारा जो है ना वो साफ़ सुथरा हो गया, तो बस अभी ये टीवी लाउंज रह गया, और ये जो है ना आमना साफ कर रही है, और शनायरा जो है ना वो नूडल्स खा रही है, तो बस ये भी साफ हो गया, ये भी कमरा साफ हो गया, और रानिया जो है ना वो पढ़ रही है कारी साहब से, कारी साहब का मैसेज है, उनको कॉल कर रही है, और ये भी कमरा जो है ना सारा साफ हो गया। तो बस अभी हम खाते हैं नूडल्स, तो फिर जो है ना हम आपसे मिलते हैं बाद में। और ये जो है ना ये चिड़ियों के लिए, मतलब बर्ड्स के लिए जो है ना, ये हाउस हमने लिए हुए थे, इनको हमने लगाया भी हुआ था, लेकिन ये है कि फिर हमने इनको उतार लिया, क्योंकि जो है ना ऊपर लगे हुए थे, हवा एकदम आई तो ये हवा से जो है ना वो नीचे गिर गए, तो इसकी जो है ना वो छत टूटी थी, तो मैंने जो है ना ये लगा दिया। और ये वाटर मतलब कि वो नहीं है कि पानी इससे अंदर जाएगा या ये जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, ये थोड़ा सा ना वो दूसरा पेपर है, इससे पानी अंदर नहीं जाएगा ना, मतलब फिसल के नीचे आ जाएगा पानी। तभी मैं और उस्मान जा रहे थे नर्सरी, तो हमने कहा कि हम जो है ना इनके लिए कुछ ले आते हैं, एक परिंदों के लिए, ज़रा गर्मी है आपको पता है, इनको पानी देना चाहिए, पानी आप इनको देंगे तो जो है ना वो ये पीते हैं और स्वाद होता है, अच्छी बात है। तो आमना जो ना चीज़ें चीज़ें अंदर रख रही है, साइकिल शाइकिल वो भी रखा है, क्योंकि वो हमारे नेबर्स हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करनी है, तो हमने कहा कि चल हम चीज़ें चीज़ें जो है ना अंदर रख देते हैं। A few moments later. हाँ जी चलें, फिर आप उधर इधर बैठे तो सही, चले बैठे। क्या हुआ आपको? टिक्का बन गया। टिक्का बन गया, चले आ जाइए फिर बनाएंगे रात को। गरम है? हाँ बहुत गरम है। चले हम गाड़ी तो स्टार्ट करें ना, थोड़ी टिक्का बन गया, थोड़ी ठंडी कर रही है ना, मैं यहाँ पे बैठे, मेरा भी टिक्का बन गया। ये बस नर्सरी आ गई है, ये नर्सरी है, यहाँ से हम देखेंगे चीजें हमें मिलती है, अगर नहीं मिली तो हमें दूसरी नर्सरी में जाना पड़ेगा। तो हम आ गया नर्सरी में, नर्सरी तो मुझे बंद लग रही है, मुझे तो लग रहा कोई है ही नहीं, देखिए कितने प्यारे पौधे हैं, हमारे लॉन में जितने भी पौधे लगे हुए हैं ना, तो हम सारे पौधे यहीं से लेके गए, और पता नहीं अब इनके पास वो चीज़ें हैं कि नहीं जिसमें हमने पोर्ट्स लेने हैं वो बर्ड्स के लिए, वो पता नहीं इनके पास हैं कि नहीं है। यहाँ पर तो दरवाज़ा बंद है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं मिला, उस्मान चेक करके हैं, दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो कोई भी नहीं है, तो अभी हम जाते हैं दूसरी नर्सरी में, वहाँ से अल्लाह करे हमें कुछ कोर्स मिल जाए। अब इस नर्सरी पे आए हैं, अब देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, अल्लाह करे कि यहीं से हमें कोर्स मिल जाए बर्ड्स के लिए, देखते हैं। A few moments later. जी ये हमें पसंद आई है और वो हमने एक पॉट लिया,
और ये जो घोंसले हमने लिए हैं हम घर जाके लटकाएंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। ये वाला जी बड़ी प्यारी प्यारे इनके पास जो ना आइटम्स हैं परिंदों के लिए। यहाँ से हमने ये चीज़ ली है और ये दो छोटे घोंसले लिए हैं, दो बड़े घोंसले लिए हैं और एक जो ना वो प्लेट हमने लिए है पानी शानी डालने के लिए, बाजरा शुरू दूध डालने के लिए। यहाँ पे भी है ये इनकी चीज़ें चीज़ें बनी हुई हैं सारी पत्थर की, बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें बनी हुई हैं। जी तो आज मैं बना रही हूँ चिकन दो प्याज़ा और ये रेसिपी इतने मज़े की बनती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई की है लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनी है। और अभी जो है ना ये प्याज जो मैंने इनको रिंग्स में काटा है और ये जो सब्ज़ मिर्च इनको जूलियन कट में काट लिया और इसके अंदर से जो है ना मैंने बीज निकाल लिए। इस टाइम पर अभी जो है ना मैं ये वाला ये मिर्चें और ये प्याज जो है ना मैं इसमें ऐड करूँगी, ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल के इसको फिर जो है ना थोड़ा सा पकाएंगे 5 मिनट के लिए और उसके बाद जो है ना हमारी जो है ना चिकन दो प्याज़ा जो हमारी कढ़ाई है वो तैयार है जी। अब ये है मैं इसमें डालने लगी हूँ, इसमें ऐड करने लगी हूँ और ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से हिला के तकरीबन समझ लें 2 से 3 मिनट जो है ना हम इसको और पकाएंगे और ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना हमारी दो प्याज़ा कढ़ाई बनके तैयार हो जाएगी जी। तो ये हमारा चिकन दो प्याज़ा जो है ना वो तैयार हो गया और इतना मज़े का बना, इसका टेस्ट इतना अच्छा है। बस अभी हम खाना खाने लगे हैं। ये है इमली की चटनी और ये है जी लहसुन का अचार और वो है नींबू का अचार और ये शनायरा। बस अभी रोटियां भी हमने मंगवा ली हैं, तंदूर से मंगवाई हैं वो खाएंगे। इसके साथ उस्मान जो है ना वो सलाद बना रहे हैं अंदर और हम जो है ना बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कब आए और कब हम खाना खाएं। 2 hours later जी तो हमने खाना खा लिया। जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कढ़ाई जो है ना बहुत मज़े की बनी थी चिकन दो प्याज़ा। तो आज की जो हमारी रूटीन थी, जो डेली की रूटीन थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आज हमने जो जो कुछ किया मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इस तरह के मजीद अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें ताकि इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हम आपके लिए लेके आते रहें। तो चलिए ठीक है जी, मिलते हैं अगले से अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।